Sunday is always a drive day or a travel day. This is a very special and innovative thing. Unbox karenge isko apni Nexon family ke saath. Till then, welcome back to the channel, everyone. My name is Dhruv and welcome to my YouTube channel, iDhruv. So today in this video, we will be going to Gurgaon, a very beautiful cafe. Wahan par sare log milenge, baat karenge, and we will have our great food and brunch. And the mausam is awesome in Delhi. It's not too hot, not too cool. It's moderately perfect, you can say. So if I talk about my meeting point, ki, that is Gurgaon's toll. Wahan par pahunchna hai 10 baje. It's already 9:45, so let's leave because we are running late. इसको ले लेते हैं साथ में. Guys, what you can do, you can subscribe my channel because I bring all the moto vlogs, cars, bikes and lifestyle including travel. मतलब हर चीज जो एक बंदा अपनी लाइफ में करता है वो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ. जो मेरी पर्सनल लाइफ है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ. तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको थैंक यू सो मच कि इतना सपोर्ट देते हो एंड 8000 पहुँचने वाले हैं. दिल्ली के अंदर ये ट्रांजिशन कुछ ऐसा हुआ कि मैं पिछले 3 दिनों से पंखा चला के सो रहा हूँ एंड हाफ टी शर्ट्स में आ गया एंड इट्स अनबेरेबल. टेम्परेचर गोज स्टिल 30-32. कुछ फोटोज हमने लिए हैं, कुछ वीडियोज हमने बनाई, कुछ रील्स हमने बनाई है. तो जरूर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना क्योंकि वहां जाकर आपको बहुत अच्छी रील्स, फोटोज एंड हैशटैग कंटेंट मिलने वाला है. सो डोंट मिस ऑन दैट एंड लेट्स स्टार्ट आवर ड्राइव. रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर हू ऑल आर ड्राइविंग दैट प्लीज 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 वेयर अ सीट बेल्ट. That is very necessary for you all and इससे ज़्यादा मैं सीख नहीं दे सकता क्योंकि आपको पता है कि क्या consequences होते हैं. And I like the new Brezza यार. आगे की lights and पीछे की lights इसकी काफ़ी अच्छी देती है. इसकी body खास पसंद नहीं है lights के मुकाबले में. It's a masterpiece. And many of you had a query that कि ये group कैसे join करें, यहाँ पर मैं कैसे drive पर आ सकता हूँ. Guys, I'll be giving a link in the description box below जहाँ पर होगा इसके Instagram handle का page. And if you are living in Delhi NCR, you can join this group. Form होगा वो fill करो and you can join this group and ride with us. And yeah, responsible riding. We take responsible riding, not jabri riding. Hello, hello, hello. Hi. वो तो अभी नैनीताल की मेरी videos आई हैं, उसका group में link share करूँगा ना, वो देखना सर. वो तो बहुत बढ़िया वीडियोस आई है एंड वी आर वेटिंग फॉर ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स. हम लेट हैं वैसे ही और भी सारे लोग लेट हैं तो धीरे धीरे आ रहे हैं एंड लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स गुड़गांव. सो वी आर कंटिन्यूइंग टू ड्राइव आवर कार टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट. सच बताएं तो गुड़गांव जो है अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है एंड एक अलग जगह ही है. आई मीन जस्ट लुक एट द बिल्डिंग्स यार. गगनचुंबी इमारतों के बीच हम चला रहे हैं अपनी नेक्सॉन एंड ये गई हमारी एक दूसरी नेक्सॉन. वैसे गुरुग्राम इसका जो नाम रखा था दैट डजंट सूट इट्स पर्सनैलिटी क्योंकि गुड़गांव एंड गुरुग्राम इज समथिंग लाइक टू डिफरेंट थिंग्स. तो गुड़गांव ही निकलता है, शुरू से गुड़गांव बोला है. बताओ नेक्सॉन के एक आगे नेक्सॉन, नेक्सॉन के एक पीछे नेक्सॉन, बताओ कितने नेक्सॉन. मुझे लगा थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होगी यहाँ पर मास पास को लेकर, पर यहाँ पर तो नहीं है. एंड ओ माई गॉड, कार के अंदर जो मैं चेंजेस लाने वाला हूँ या फ्यूचर में चेंजेस आएंगे उनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको. एंड रियली एक्साइटेड फॉर सम न्यू चेंजेस इन कार. अगर आपको वो देखनी है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, कमेंट करके जरूर बताना. एंड बाइक की वीडियोज आपने पिछली 2 देखी थी वो कैसी लगी आपको, वो भी कमेंट करके बताना. एंड मेरी लाइफस्टाइल वीडियोज आपको कैसी लग रही है प्लीज बताओ गाइज. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप बताओगे नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या गलत कर रहा हूँ एंड क्या सही. तो मैं जरा गौर फरमाना चाहता हूँ इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के ऊपर. मतलब कहाँ जा रहा है आर्किटेक्चर इस दुनिया का. ओ माय गॉड, कैन यू सी कि इधर कितने ब्लॉक्स ब्लॉक्स होकर ये सारी बाहर निकल रही है. भाई साहब, एंड वी आर हियर.
and open the space is provided. Baki you can and do. You can order whatever inside. Yes, yeah. So we have entered this beautiful property and यहाँ से करंट की आवाज़ आ रही है ऊपर, जो मेरे ऊपर से वायर्स जा रही है। वैसे तो आज प्लानिंग थी कि आने वाले हमारे ग्रुप के अंदर कुछ अप्रॉक्सीमेटली 15 मेंबर्स, लेकिन डिले होते होते कहीं ना कहीं किसी का ना आते आते वी आर 4 एंड दिस इज द लोकेशन। दिस इज़ अ क्वाइट बार टाइप ऑफ लोकेशन वेयर यू कैन हैव योर ओन ड्रिंक्स, योर ओन फूड एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम इन दिस स्प्लेंडेड प्लेस। जगह के हिसाब से कपड़े पहन के आए हो मुझे पता ही नहीं था ऐसे होगा। ये काफ़ी अच्छा है, हट स्टाइल के अंदर है प्रॉपर। हाँ, सो लास्ट टाइम में हुआ क्या था, दैट मेंबर्स वर सो मच दैट वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं हो पाया था एंड टुडे क्वालिटी टाइम के लिए आज हमने काफ़ी बंदों को मना किया कि मत आओ। हाँ तो 100 बंदे रहे थे अगर कोई आप में से देख रहा है तो फिर सीरियस नहीं है, मजाक कर रहे हैं। ये भाई ट्रिक थी 15 बोल के 5 चाय नहीं। वी आर हैविंग अ चाय पे चर्चा और सिटी के अंदर अराउंड 16-17 का तो दे देती डीजल, लेकिन डीजल तो अब तो स्पीड लिमिट भी 50 है दिल्ली में, क्या ही चलाओगे गाड़ी। So let's have our breakfast. Breakfast के अंदर I can see lots of things. So enjoy the shots. बीट अलग जा रही होती है, गाना अलग होता है, डांस कुछ और होता है, डांस कुछ होता नहीं, अलग ही होता है। तो हम डिनचक पूजा के अभी तो फैन हो चुके हैं, कहाँ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। और ड्रेसिंग सेंस तो माशाल्लाह उसकी, बहुत क्रिएटिव लिरिक्स है उसके, बहुत बिग बॉस में आई थी। जेब में मेरे कैश, गाड़ी मेरे पास, मैं चली ड्राइव पे, बदली क्या क्या बनाते रहे। क्रिएटिव बाइक तो है, पता नहीं क्या ही क्रिएटिव। तो फोटो लिए जा रही है एंड पोज डिसाइड नहीं हो रहा है। Our food and the bill was very affordable, that was 200 per person. हो गए छोटी गैदरिंग के लिए फैमिली के, मतलब ये वाली सिस्टम भी इन्होंने सही लगा रखा है, रात के टाइम लाइटिंग वाइटिंग होती होगी ना तो अच्छा होगा। जब तक जनता नहीं हुई तब तक मज़ा भी नहीं आएगा आने का। तो फिर ना जब पब्लिक होगी, जब सर्विंग टाइम्स होंगे इनके, वैसे भी हम ऊपर नीचे चल रहे थे इनके टाइम से। सो लेट्स गेट द अनबॉक्सिंग टाइम। अनबॉक्सिंग टाइम, वेरी स्पेशल प्रोडक्ट इन्फिनिटी लेटेक्स, जो एक होता है इसके अंदर ट्रैवल पिलो है एंड इसके अंदर एक सीट कुशन है। हाँ पिलो है इसके अंदर, तो देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी होती है। फर्स्ट थिंग आई थिंक दिस इज द हंड्रेड, दिस इज द सीट कुशन दैट विल हेल्प। दिस इज 100% लेटेक्स एंड दिस इज मेमोरी फोम एक्चुअली। यहाँ पर हम बैठेंगे एंड दिस विल टेक द शेप ऑफ आर सीट। ज़्यादा ऊपर है, 2 इंच है। So is this helpful? This is quite good actually. It feels nice. What's the genuine review about this? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, इट फील्स नाइस, बट वही है। इज इट प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो एज इट इज फॉर माई हाइट इट बिकम्स अ बिट टू मच बिकॉज दैट द पोजिशन चेंजेस। ओके ओके, सो योर हाइट इज? माई हाइट इज 5'11". 5'11". Suppose जैसे आप जाते हो almost 700-900 kilometers, for you this must be helpful. Yeah, it must, it should be. जो है वो सुन हो जाता है एकदम। एक बार बैठ कर देख रहे हैं एंड बी लाइक सबकी हाइट देख लो ना। मेरी हाइट 6 feet है, क्योंकि वो जो पोजिशन है ना वो आगे पीछे का बहुत चेंज हो जाता है, पूरा चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं बट मेरे को सही लग रहा है बिकॉज आई थिंक मे बी मेरी हाइट। कुशनिंग कैसी लग रही है? कुशनिंग अच्छी है अकॉर्डिंग टू योर कार सीट। कुशनिंग तो अच्छी है इसकी, कार सीट के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट है। सॉफ्ट है ना? हाँ। सो राइडिंग पोजीशन भी ठीक लगा। मैं ठीक है तो मैं गियर छोड़ूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये तो चलो ड्राइवर के लिए एंड पिलियन के लिए हमारे पास एक और चीज है सेम क्वालिटी तो मुझे लगा फील होता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका जो रिव्यू है वो मैं मेरे लिए साथ ही साथ अगर हम इसको यूज करेंगे एज अ नेक पिलो तो क्वालिटी तो सेम है। उसको हटा दो जो पीछे घुमा दो। हेल्पफुल फॉर अ पिलियन और अ ड्राइवर? मेरे लिए मुझे नहीं लग रहा हेल्पफुल है बिकॉज मेरे को थोड़ा दिक्कत कर रहा है ये उसके लिए जो पीछे बैठते हैं या फिर जो पिलियन होते हैं साइड के। बाकी मेरे लिए मुझे लग रहा है थोड़ी देर के बाद ये दर्द करने लग जाएगा, राइडिंग पोजिशन अच्छी नहीं है। सो ये अच्छा है, नीचे वाला कुशन जो है ये सही है, बट ये सिर्फ पिलियन या फिर जो पीछे बैठेंगे उनके लिए ठीक है। हाँ ये जो चीज़ है ये उनके लिए ही हेल्पफुल है। क्या होता है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मुझे थोड़ा झुक के ऐसे बैठ के चलानी पड़ती है बिकॉज मुझे अच्छे से दिखता नहीं है, मेरे को थोड़ा सा हाइट कम मिलती है।
अगर मैं स्टॉक सीट, व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू ऑल टू गेट दिस थिंग एंड यू कैन जस्ट ट्राई दिस ऑन टू योर कार्स एंड ऑन टू योर कंफर्ट लेवल विल गो फ्रॉम 0 to 100 लाइक एनीथिंग. मेरे लिए 5 out of 5 है इस प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज ये मेरे लिए काफी यूजफुल होने वाला है. अगर एंड दिस इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑन स्पॉट अनबॉक्सिंग करी एंड ऑन स्पॉट हमने इस चीज का रिव्यू लिया है. सो गाइस डू चेक दीज थिंग्स आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इन्फिनिटी लेटेक्स, मेरे पिलो वापस दे दो. तो वो प्रो क्लियर ऑसेट्स बिसाइड मी, जिनको कहते हैं कि गर्दन में दर्द हो रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है बैठने में या अनकंफर्टेबल लग रहा है, सो यू दे कैन यूज दीज टू एज वेल. ओके, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग टुडेज मीट. Sure, sure. कब अपलोड कर रहे हो? This will come next week. Okay, Naveen. बाकी हम वहाँ टोल तक तो साथ ही जाएंगे. हाँ, चलो चलो, दिल्ली तो जाना है अभी. चलो सोना. Okay. Okay. Bye 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 bye. Inline 4 पे अपग्रेड करना है. लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत सही है भाई. मैंने आगे से पीछे से दोनों जगह से गाड़ी ठोक के देखी है. पीछे अगर कोई मारुति की गाड़ी होती ना, अगर उस स्पीड में ठुकती तो खत्म हो जाती है, लिटरली खत्म हो जाती है. हमें रोज एग्जांपल्स मिलते हैं, कहते हैं ऑल नो द. मैं डिसग्रेस नहीं कर रहा हूँ जो आपके लोगों के पास जो कार है, पर मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ. आज का अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो फिर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू बाय इन्फिनिटी लेटेक्स मैट्रेस एंड द पिलो. लेट्स गो नाउ एंड एग्जिट दिस. पर उस जाने से पहले मैं आपको वो यूज करके दिखाऊंगा, तो वो वीडियो अभी देखते रहो. मटेरियल, दिस इज फेदरी सॉफ्ट, आई कैन जस्ट फील इट. तो हाई क्वालिटी फेदराइट सॉफ्टवेयर आते हैं उसके अंदर होती है, सेम इसके अंदर है एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गोना लव दिस. This feels absolutely great. And आप गर्दन ऐसे टिका लोगे इसके ऊपर एंड दिस विल सॉल्व 99% ऑफ योर पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ कार. एंड बॉय ओ बॉय, लेट्स ट्राई दिस यार. सो इस चीज़ के ऊपर एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा क्या सीन है, व्हाट आई डू इज मैं अपनी जो सीट है, जो हाइट है, उसको पूरा ऊपर नहीं करके पूरा नीचे करके कार चलाता हूँ. 1 से 1.5 इंच ऐड हो गया है. तो ये थोड़ा सा, जब मैं आगरा गया था एंड जब मैं नैनीताल गया था उसके अंदर मैंने ये चीज़ फील करी थी दैट लॉन्ग ड्राइविंग ने ना मेरे पैरों को कर दिया था. लिटरली आई कैन फील दैट, आई कांट फील एनीथिंग इन माय लेग्स. तो फिर इस चक्कर में मुझे स्विच करना पड़ा इस चीज़ को लेकर. ओह माय गॉड, आई कैन सीरियसली फील द डिफरेंस नाउ, क्योंकि जब मैंने इसको लगाया है तो फिर मेरे 3 पॉइंट्स पे डायरेक्ट असर हुआ है इस चीज़ का. मैंने अपनी सीट ऊपर कर ली है जिससे मेरी बैक स्ट्रेट हो गई है एंड मेरा जो पीछे गर्दन है वो सीधा हेडरेस्ट पर आ रही है, जो पहले नहीं आती थी आई थिंक, क्योंकि हमारी बकेट फिनिश शीट्स हैं तो बकेट फिनिश के अंदर वो ज़्यादा डेप्थ हो जाती थी, तो इस चक्कर में मैं फिट नहीं आ पाता था. इन चीज़ दैट आई एम सिटिंग अपराइट, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन ड्राइविंग, क्योंकि आई एम गेटिंग अ गुड थाई सपोर्ट. अब ये देखो जैसे ये है, यहाँ पर थाइस को मेरे को सपोर्ट मिल रहा है प्रॉपर, जैसे काफ़ी अच्छी लग्जरी कार्स के अंदर थाई सपोर्ट आता है, तो फिर इसके अंदर थाई सपोर्ट मिल रहा है मुझे, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो इस तरीके से है ताकि हम को एज अ प्रॉपर सीट कुशन यूज़ कर सकें. सही है यार, इसने मेरी बैक को स्ट्रेट कर दिया है, थाई सपोर्ट दे दिया है एंड द ऑब्वियस बट नमिंग. सो आई हैव रीच्ड होम एंड आई हैव ऑलमोस्ट ड्रिवन द कार टुडे 30 to 40 kilometers वन साइड, ऑलमोस्ट 80 kilometers कार चल चुकी है एंड अभी आते हुए 15 kilometers मैंने इसको पहन के चलाया. एडजस्ट होने में मुझे लगे कुछ 2 मिनट एंड बॉय ओ बॉय, दिस थिंग इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट एंड फन टू ड्राइव. लिटरली यार, दिस थिंग इज वर्थ टू ट्राई. सो इसको क्या करते हैं, इसको घर पे लेके चलते हैं एंड लेट्स गो होम, क्योंकि बहुत भूख लग रही है मुझे. जितना खाया था वो सब जा चुका है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है. फ़ोन हो गया, ये हो गया, वॉलेट हो गया. एंड गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी पीते रहो क्योंकि जल ही जीवन है एंड डोंट कीप योर सेल्फ डिहाइड्रेटेड. एंड व्हाट द मेन थिंग आई थॉट अबाउट दिस थिंग इज कि यार मैं कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकता हूँ. आई मीन नॉट द कार सीट, आई कैन यूज दिस ऑन माई डेस्क वेर आई वर्क एंड एडिट वीडियोज वेर आई स्टडी. सो गाइज, आई एम होम एंड इन अ कंप्लीट जेस्चर आई हैव चेंज्ड माई क्लोथ्स एंड द डे वॉज एक्चुअली फन.
because the drive was awesome, the interaction was awesome. Stay tuned till then, bike ki videos bhi aati rahengi. Don't worry at all, kahin nahi ja rahi Royal Enfield ki videos, and aage main lekar aaunga ki bike par trips maru actually. Aap sabke liye bike ko thoda sa ready hone do. एक बार वो रेडी हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए, क्योंकि जब तक तो वो मेरे हिसाब से नहीं बनेगी तब तक मैं उसको बाहर लेकर नहीं जाने वाला. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ. अभी जाओ और अभी फॉलो करो, क्योंकि वहां पर आती है गिव अवे आने वाला है 10,000 सब्सक्राइबर्स पर. 10,000 जल्दी से टच करवाओ एंड बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है? ब्रेक, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून. बाय बाय.